वेलकम टू ऑल इन एसपी क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, थोड़ा सा मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ यार। कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स में हम दो तरह की कंडीशन पढ़ेंगे, इफ एल्स कंडीशन और स्विच कंडीशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया है या थंबनेल में भी शो किया है, मैं आपको नेस्टेड केस भी समझा दूंगा इसमें। तो इस लेक्चर में हम केवल दो ही पढ़ेंगे कंडीशन, वो भी प्रोग्राम के साथ। तो स्टार्ट टू एंड बने रहिएगा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा देखो, ये थ्योरी तो कहने लायक थ्योरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ कि कंडीशनल ऑपरेटर जो होते हैं ये आपके दो टाइप के होते हैं, इफ एल्स कंडीशन और दूसरी स्विच कंडीशन। इफ होती है या तो, एल्स कंडीशन होती है यद्यपि, यानी या तो आप ऐसा कर लो या फिर ऐसा कर लो। इफ एल्स कंडीशन ये होती है, ये बिल्कुल सिमिलर टर्नरी ऑपरेटर की तरह होती है। अब आप पूछोगे टर्नरी ऑपरेटर क्या है, तो यार पुराने लेक्चर आप एक्सेस करो ना, स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट देखो, तो आपको ऑपरेटर भी पता चलेंगे, इंस्ट्रक्शन भी पता चलेगी, और आपका लेक्चर 4 तक तो आप एकदम बेस अपना क्लियर कर लोगे। तो इसमें हम इफ एल्स कंडीशन में मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इफ लिखेंगे, प्रोग्राम पूरा स्ट्रक्चर के अंदर में इफ लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इफ लिखने के बाद हम कंडीशन डालेंगे कि हमें कंडीशन में क्या चाहिए, हमें कम ज़्यादा चाहिए, प्लस माइनस ग्रेटर देन, जो भी कंडीशन चाहिए वो डालेंगे। इसके बाद अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है हमारे इनपुट को, तब तो हमारा जो इफ कंडीशन में हम जो प्रिंट कराएंगे वही हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती तो एल्स प्रिंट होगा, यानी दूसरा स्टेटमेंट जो हम लिखेंगे वो प्रिंट होगा। तो शुरुआत हम इफ एल्स से करते हैं, फिर चलेंगे हम स्विच ऑपरेटर पे। आ गए इफ एल्स पे। देखो ये तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बनाना है। तो वेरिएबल हम बनाते हैं, क्या बनाएं वेरिएबल, आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते हैं हम, गदर मूवी के टिकट की सेलिंग करेंगे इफ एल्स कंडीशन डाल के। अमाउंट, अमाउंट नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इंट अमाउंट। अब प्रिंट कराता हूँ मैं इसको ताकि हमें आउटपुट मिल सके स्क्रीन पे। डबल कोट क्या है, एंटर अमाउंट, एंटर अमाउंट। अब मैं यहाँ पे सेमी कोलन लगा के, कोलन लगा के स्पेस छोड़ूंगा। मैंने स्पेस क्यों छोड़ा, क्योंकि हम बाहर से इनपुट लेंगे, तो वो जो हम बाहर से इनपुट लेंगे ना, वो इनपुट यहाँ पे आएगा और फिर एक्सेस होगा। अब ये तो हो गया हमारा आउटपुट, अब हम एक बार इनपुट भी करा लेते हैं कि हमें इनपुट किस टाइप का चाहिए। हमें चाहिए इंटीजर वैल्यू। तो इनपुट आउटपुट तो यार आपने फर्स्ट लेक्चर से ही देखते हुए आ रहे हो, इनपुट आउटपुट होता क्या है, कोमा डालते हैं, एड्रेस साइन कर देते हैं अमाउंट का, ए एम ओ अमाउंट, ये हमारा इनपुट हो गया। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये हमने कुछ प्रिंट कराया है और ये हमने उसका एड्रेस असाइन करा लिया। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने पुराने लेक्चर देखे होंगे, या फिर आप डायरेक्ट इस लेक्चर से देख रहे हो तो यार इतना तो आपको आना ही चाहिए। ये हमने प्रिंटअप कराया है, ये हमने इनपुट लिया है। अब यहाँ से शुरुआत होती है मेन इफ कंडीशन की। हम यहाँ पे इफ कंडीशन डालते हैं। अब मैंने बताया था कि मैं इफ लगाऊंगा तो इफ के अंदर मैं अपनी कंडीशन लिखूंगा। तो कंडीशन हम डालते हैं कि जो टिकट है वो मूवी का जो टिकट है वो 500 रुपये से कम में आपको मिल जाएगा। अमाउंट इज लेस देन 500, 500 रुपये से कम में आपको मूवी का टिकट मिल जाएगा, आराम से आप मूवी देख सकते हो अगर आपके पास 500 रुपये से कम है तो। और 100 रुपये से ऊपर हो, 500 रुपये से ऊपर हो, वो चीज़ें हम देखेंगे। फिलहाल हम इफ एल्स कंडीशन को समझ रहे हैं। हमने कंडीशन डाल दी कि अगर आपके पास 500 रुपये से कम है तो आप टिकट खरीद सकते हो। तो टिकट हमने काफ़ी सस्ता कर दिया, हम प्रिंट करा लेते हैं इसका आउटपुट। अब मैं, आप कहोगे मैं दोबारा प्रिंट क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि प्रिंट में आपको एक स्टेटमेंट देना होगा कि अगर आपने जो कंडीशन डाली वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपको स्क्रीन पे कुछ स्टेटमेंट प्रिंट होके आएगा। तो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्या क्या क्या, अगर मेरे पास 500 से ऊपर है।
कंडीशन हमने डाली है कि अगर मेरे पास 500 से कम है, 500 से कम है तो मेरे पास जो भी स्टेटमेंट में प्रिंट करूंगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो 500 से अगर आपके पास कम है तो हम डालते हैं यू बॉट, BOUGH, यू बॉट। स्पेलिंग स्पेलिंग देख लेना भाई, हमारे अंग्रेजी के मास्टर ना है अपन। यू बॉट गदर, MOVI, गदर मूवी, टिकट, TICKET, टिकट, ठीक है। यू बॉट गदर मूवी टिकट, हमने ये प्रिंट करा लिया। अगर आपके पास 500 रुपये से कम है तो आप मूवी का टिकट देख सकते हो, और अगर आपके पास 500 रुपये भी नहीं है तो भाई घर जाओ। ये लिख दो क्या, घर जाओ। एल्स देखो, एल्स जो होता है ना, एल्स में आपको कुछ कंडीशन नहीं डालनी रहती, कंडीशन आपको एल्स में डालनी रहती है। इसमें इफ में डालनी रहती है, एल्स होता है आपका सेकंड ऑप्शन, यानी कि अगर आपके पास ऐसी चीज नहीं है तो वैसी, यानी कि अगर आपके पास ये सही नहीं है तो इसके अलावा, यद्यपि टाइप का होता है एल्स। तो एल्स के अंदर हम क्या कराते हैं यार, एल्स में आपको कुछ कंडीशन डालनी है तो एल्स में आप सीधा प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट 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 एंटर, यू बॉट गदर मूवी टिकट, गो बैक टू होम, या फिर यार घर क्यों भेजे उसे कह देते हैं बुक नेक्स्ट नेक्स्ट शो, SHOW, बुक नेक्स्ट शो, अगली बार पैसा लेके आओ और अगला शो बुक कर लो। तो हमारी कंडीशन तैयार है। अब एक चीज़ और डाल लो यहाँ पे, टर्मिनेट करना कभी मत भूलना प्रिंट ऐप को। देखो यार, इतना सा प्रोग्राम मैंने बनाया है, सबसे पहले एक अमाउंट नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है और मैंने उसको प्रिंट करा लिया है। यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा है क्योंकि मैं बाहर से आउटपुट लूँगा, और मैंने उसका इनपुट करा लिया, एड्रेस असाइन करा लिया। फिर मैंने इफ कंडीशन डाली कि 500 रुपये से कम वाले, 500 रुपये से अगर मैं कम डालूंगा तो मैं गदर की मूवी, गदर मूवी का टिकट खरीद सकता हूँ, और अगर मैंने 500 रुपये से ज़्यादा डाल दिए तो मैं नहीं खरीद सकता। तो इसको यार रन करा के देखते हैं, आ जाओ कॉम्पिलेशन में। sourceforge.c.backslash/error.txt, 500 रुपये से कम अमाउंट डालना ना, 400 रुपये का एक टिकट खरीदते हैं। 400 रुपये का मैंने टिकट खरीदा और ये टिकट हो गया मेरा कंफर्म, यू बॉट गदर मूवी टिकट 400 में। और अगर मैं कुछ और डालना चाहूँ तो इसी के GCC, 500 रुपये से कम है ना, मैं डालता हूँ यार 600 रुपये, हम डालते हैं 600 रुपये। 600 रुपये मैंने डाल दिए तो क्या कह रहा, बुक नेक्स्ट शो। अगर आपके पास 600 रुपये हैं तब भी आप अगला शो बुक करो, 500 रुपये से कम का टिकट है। तो ये कुछ मजा नहीं आया, महंगाई बढ़ाते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास 500 रुपये से ऊपर है तभी आप टिकट खरीद पाओगे, अदरवाइज 400 रुपये हैं तो आप टिकट नहीं खरीद पाओगे। तो खरीदवाते हैं टिकट GCC, sourceforge.c.backslash/error.txt। अब मैं डाल रहा हूँ कि ले 400 रुपये डाल रहा हूँ, अब दे मुझे टिकट 400 रुपये में। कह रहा है चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट शो बुक करो, इसमें आपको 400 रुपये का कोई टिकट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कंडीशन को आप कम ज़्यादा या अपने मन से चेंज कर सकते हो। ये होगी आपकी इफ एल्स की कंडीशन। अब मैं इफ एल्स के अंदर नेस्टेड कंडीशन डालता हूँ, यानी इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखते हैं एल्स इफ करके, एल्स इफ, और इसके भी और अंदर कंडीशन डालनी तो वैसे एल्स इफ करके आप बढ़ा सकते हो। मैं आपको एक बना के दिखा दूंगा, उसके बाद आप अपने उनसे बनाते रहना। एल्स इफ में आपको क्या करना है, कंडीशन तो डालनी पड़ेगी कि देखो यार, कंडीशन हम सोचते हैं कि 500 रुपये से ऊपर वाले को टिकट मिल रहा है, तो 500 रुपये को हम एक लिमिट दे देते हैं,
₹500 लेस देन और इक्वल टू 500 रुपये भी हो तब भी आपके पास काम चल जाएगा। अगर आपके पास 500 या 500 से कम है तो आप गदर मूवी का टिकट खरीद सकते हो। और एल्थ कंडीशन में हम डालते हैं कि अमाउंट इस ग्रेटर देन 500 रुपये के ऊपर का अमाउंट रखते हैं। 500 रुपये की अगर आपके पास ऊपर है, और यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर लगाऊंगा। मैंने बताया था आपको एंड ऑपरेटर सीख लेना यार। एंड ऑपरेटर यूँ कहता है, यहाँ पे बता देता हूँ कि आप दो कंडीशन ले रहे हो, दो इनपुट ले रहे हो जो आप बाइनरी फॉर्म में लोगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम वही बाइनरी में अप्लाई करते रहे, हम अपने इस कंडीशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके दो जो इनपुट ले रहे हो दोनों ट्रू होंगे तो आउटपुट में आपको ट्रू मिलेगा। एंड की टेबल भी बनी हुई होती है जिसमें आपको चारों तरफ से इनपुट करा के दिखाया जाता है, वो टेबल भी आप देखना। दूसरी कंडीशन में डालता हूँ कि अमाउंट जो है, एक तो 500 रुपये का रखते हैं और अपन 1000 रुपये का रखते हैं कि 500 से 1000 के बीच में। और देखो यहाँ पे कंडीशन क्लैश होगी क्योंकि इक्वल टू 500 पे आप टिकट खरीद भी सकते हो और यहाँ पे आप 500 के ऊपर क्लैश नहीं होगी, क्लेश नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ क्लेश नहीं होगी। ठीक है, ये तो हमने कंडीशन डाल दी है, ये फर्स्ट कंडीशन है। अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। आ जाओ प्रिंट के लिए, सेम प्रोसेस, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ। अब 500 रुपये से ऊपर का हम टिकट दे रहे हैं तो कुछ स्पेशल दें, वीआईपी टिकट या फिर बालकनी लिख लेना आप, वीआईपी टिकट ऑफ गदर मूवी। गदर मूवी हमारे तो यार इतना ही चलता है, बाकी 500 रुपये में 1000 3000 तक के मूवी के टिकट बिकते हैं। स्पेलिंग गलत हो गई, अपन इंग्लिश का मास्टर ना है। हो गई वीआईपी टिकट ऑफ गदर मूवी। अब यहाँ पे एक चीज डालना कभी मत भूलना, टर्मिनेशन। अब प्रोग्राम दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली कंडीशन हमारी यहाँ से चालू होगी, हम कुछ भी इनपुट लेंगे बाहर से कहाँ पे, वो इनपुट हमारा यहाँ पे आएगा। वो इनपुट चेक करेगा कि क्या आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कैसे चेक करेगा कि अगर हमने यहाँ पे डाल दिया सपोज 400 रुपये, तो अगर आपके पास 500 रुपये से कम है या 500 ही है तो भी आप मूवी का टिकट खरीद सकते हो। बट अगर आपने 500 रुपये से ऊपर का अमाउंट डाल दिया, तो 500 रुपये से अगर आपने ऊपर का अमाउंट डाल दिया, और 100 रुपये कैसे आ गए, अब 1000 रुपये लिखने चाहिए। और 1000 रुपये, 500 रुपये से और 1000 रुपये के बीच में अगर आप टिकट खरीदते हो तो आपको वीआईपी सीट मिलेगी। और अगर कुछ भी नहीं है तो अगला अगला बुक करो। चलो सी सी अमाउंट डालू मैं यहाँ पे 300 रुपये डाल देता हूँ। 300 रुपये डाले तो देखो, 300 रुपये मैंने डाले तो मुझे क्या दे रहा है, ये व्हाट गदर मूवी टिकट, यानी मेरे पास 500 रुपये से कम है, ये वाली कंडीशन इसने देखी। हमने यहाँ से कुछ इनपुट दिया इसको, इफ लूप चला, इफ कंडीशन इसने चेक करी कि तेरे पास 500 रुपये से कम है, तेरे पास 300 है, तो चल तू टिकट तो मूवी का ले ले। अब हम दोबारा से कुछ ना कुछ प्रिंट कराते हैं, इस बार हम पैसा बढ़ा कर डालेंगे। GCC surya.c.backslash a.exe। अरे यार एक्सटेंशन बोला यार, exe a.exe। अब कितना अमाउंट डालू, 800 रुपये डाल देता हूँ मैं। 800 रुपये का, 800 रुपये का आपका टिकट, 800 रुपये आपने टिकट खरीदने के लिए दिए। तो देखो इफ एल्स कंडीशन में होगी, ये कंडीशन इसने चेक की, 500 रुपये से कम नहीं 800 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसने क्या करा, इसको स्किप कर दिया, स्किप कर दिया, इस वाली कंडीशन पे आया। इसने देखा कि यार 500 रुपये हैं और 1000 रुपये हैं, 500 रुपये और 1000 रुपये के बीच में ये खरीद रहा टिकट, तो इसको वीआईपी सीट दे दो, तो हमें वीआईपी सीट मिल गई। अब ये एल्स कंडीशन कब आएगी, बुक नेक्स्ट शो। तो ये जो हमने हम लिमिट डालते हैं ना, अगर मैं 500 के नीचे कुछ भी वैल्यू डालता जाऊंगा, भले माइनस में डाल दूं तब भी मुझे टिकट मिलेगा, और मैं 500 से 1000 के बीच में डालूंगा तो मुझे ये वाला टिकट मिलेगा।
तो आप सोचोगे यार ये कब अप्लाई होगा, अब ये आपका प्लस में अप्लाई होगा, यानी कि 1,000 रुपये के ऊपर अगर हम डालते हैं तो हमें एल्स कंडीशन प्रिंट होके मिलेगी। डालें, डालते हैं जीसीसी सूर्या डॉट सी, एंटर, और बैकस्लैश ए डॉट टी एक्स, अरे एक्सटेंशन गलत हो गया, बैकस्लैश ए डॉट टी एक्स सी, एंटर अमाउंट। अब मैं 1,001 रुपया डाल देता हूँ, 1,001। तो क्या आ गया, देखो बुक नेक्स्ट शो। तो इस तरह से आपको अपने दिमाग से लॉजिक बिल्ड करना होता है, और इफ एल्स कंडीशन इस तरह से काम करती है। इसके अंदर मैंने आपको एक नेस्टेड लगा के दिखा दिया, अब आप इसके अंदर एक और नेस्टेड लगा लो। आप चाहो तो 500 1,000 की जगह पे 1,000 1,500 वाला बना लो, 2,000 का बना लो, 10,000 का बना लो, जितना चाहे आप मेमोरी भर दो आपके कंप्यूटर की। तो ये हमने इफ कंडीशन देख ली, समझ में आई थिंक आपको आ गई होगी, इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, नेस्टेड। अब हम अगले उस पर जाते हैं, अपने स्विच कंडीशन पे। स्विच कंडीशन क्या कहती है, स्विच ऑपरेटर। अच्छा, ऑपरेटर ऑपरेटर बोलो, कंडीशन बोलो, ऐसी की तैसी कराओ। स्विच ऑपरेटर यूँ कहता है कि आप नंबर ले सकते हो और कैरेक्टर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। नंबर कैरेक्टर क्या चीज़ है, ये जब अप्लाई करेंगे तो आएंगे। स्विच के अंदर केस बनते हैं, चाहे जितना मर्जी चाहे बना लो, और लास्ट में एक डिफॉल्ट केस प्रिंट कराते हैं, जो कि अगर हमने हमारी रेंज से कुछ अलग टाइप कर दिया तो वो हमें डिफॉल्ट केस करके दे देगा। और नेस्टेड हम अभी देख चुके हैं। तो स्विच जो होगा, स्विच खुद ही, मैं आपको एक बड़ा भारी प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, इतना बड़ा भी नहीं बनाऊंगा। कट जा रे, क्या होगा, कटने का कट थोड़ी सी, यार मैं स्क्रीन छोटी करूंगा, बस जूम इन करा है मैंने, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, अमाउंट में बनाए क्या, अमाउंट अमाउंट में अमाउंट नहीं ले यार, कुछ नंबर्स ले लेते हैं। नंबर NUMBER, 1 से 10 तक की गिनती में मैं आपको समझाऊंगा, जो इजी पड़ेगा। नंबर ले लिया मैंने, अब मैं प्रिंट करा देता हूँ, एंटर। स्पेस दे दो थोड़ा सा, एंटर NUMBER, एंटर नंबर 1 से 10। 0 नहीं लूंगा मैं, आप ये मत समझना 0 ले रहा हूँ, 109 लूंगा मैं, 109। यानी हमारे पास टोटल कितने हो गए, 9 नंबर हो गए, 10 हो गए, 10 नहीं हो गए, 0 से होते हैं 10 होते हैं, ठीक है यार, आप जैसा चाहो। मैं तो 1 से 9 तक नंबर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा है क्योंकि मैं बाहर से कुछ इनपुट डालूंगा। अब इसका एड्रेस असाइन करने के लिए मुझे यहाँ पे भी नंबर डालना पड़ेगा, NUMBER। समझ में तो आ रहा है ना, अगर समझ में नहीं आया अगर कमेंट में बता दो तो मैं फिर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मुझे तो लगता है इतना सफिशियंट है ये। तो बिल्कुल लॉजिक, बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम है, अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं छेड़ा, आपको स्विच वर्ड कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, इतना तो आई थिंक आप समझ गए होगे और बना ही लोगे। अब यहाँ से शुरू करते हैं, अब मैं लगाता हूँ स्विच ऑपरेटर। ऑपरेटर नहीं बोले, कंडीशन बोले, कंडीशन बोले, ऑपरेटर बोले, कुछ भी बोलो। आ जाते हैं हम अपने नंबर पे। नंबर क्यों लिया, क्योंकि मैंने नंबर नाम का ही वेरिएबल बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्विच में नंबर लिया है। नंबर लेने के बाद आपको लगाने कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ से आपको अपने केस बनाने स्टार्ट करने हैं। केस वन के बाद 2 कॉलन, कॉलन क्यों, अगर हम सेमी कॉलन दे देंगे तो ये टर्मिनेट नहीं हो जाएगा, इसीलिए हम देंगे कॉलन। हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट प्रिंट डबल कोट, एंटर। एंटर भी क्यों डाले, सीधे 1 डालते हैं, इंग्लिश का 1, 1 1 1 जा 1 1 2 जा 2। टेबल वेबल भी आगे के प्रोग्राम में मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा, मस्त कैलकुलेटर बना दूंगा। ये एक केस बनाया मैंने, केस
बनाया अपनी इजी के लिए, ताकि मेरे को यार ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। आपका ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करूँगा मैं, 20 मिनट के समथिंग तो कुछ हो गया होगा। इसको करते हैं कॉपी, बड़ा कीमती टाइम है आप लोगों का। कर तो लाना पेस्ट, कहाँ तक पेस्ट करूँ मैं? अरे यार थोड़ा छोटा, इसकी रेंज ही कम कर लें, 1 से 5 तक ही पेस्ट ये कॉपी पेस्ट करूँगा मैं। दो हो गया, 3 हो गया, ये हो गया 4, 4, 5 ही केस ले रहे हैं अपन। चाहो तो 100 केस ले लो, 5 केस ले रहे हैं। ये केस 2 कर दिया, यहाँ पे भी हम प्रिंट कराएंगे तो 2 प्रिंट कराते हैं, अंग्रेजी का 2। ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, 1 2, ये 4 बोली, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और भी लो क्या? चलो यार, नहीं तो कह दोगे सिखाया ही नहीं, 9 तक ही ले चलता हूँ इसको मैं। छः, 7, 8, 9, 9 हो गए अपने, 9 केस तैयार है। 6, 7, 8, 9, 9 केस तैयार है। 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास 9 केस हो गए। अब क्या काम होता है वो मैं समझा देता हूँ। ये हमने केस बनाया ना, अब मैं इनपुट में कुछ भी वैल्यू डालूंगा, वो कैसे ही एक्सेस करेगा, ये आगे के मैंने जो नंबर लिख रखे ना, इन नंबर से एक्सेस करेगा। इसीलिए मैंने कहा तो आप नंबर भी ले सकते हो और कैरेक्टर भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने आपको समझाते हुए यहाँ बोला था कि मैं प्रोग्राम में बताऊंगा। देखो हम नंबर ले रहे हैं ना, मैं आपको कैरेक्टर से भी करके दिखाऊंगा, सब कुछ बताएगा तेरा भाई, सबका बदला लेगा। ये केस हो गए 9 केस। अब सीधे अपन देखो बता देता हूँ मैं, यहाँ पे हम जैसे अभी हम इफ एल्स कंडीशन में बाहर से इनपुट लेते थे, वैसे यहाँ पे इनपुट लेंगे। इन केसेस में से हम आगे के जो नंबर लिखे हो वो डाल देंगे। अगर मैंने 5 नंबर डाल दिया तो मुझे आउटपुट में 5 प्रिंट करके दे देगा। तो ये केस इसीलिए बनाए जाते हैं, ये एक तरह से आपके इंडेक्स होते हैं कि आपको कोई सा भी अगर मेमोरी में से कुछ भी निकाल के लाना है तो आप स्विच ऑपरेटर लगाओ। एक तरह से स्विच का ही बटन ऑन ऑफ का काम करता है, जैसे बटन दबाया खट हमारी चीज सामने आ गई, ऑफ कर दिया बंद हो गया, स्विच की तरह काम करता है। जल्दी से एक्सेस करके हमें देगा, हमें इतना खोजना नहीं पड़ेगा। अगर हम 100 तक के केस भी बना रहे हैं तब भी हम ऊपर यहाँ पे खाली एक नंबर डाल देंगे, हमें 99वें वाला चाहिए, 99वें वाला हमें ढूंढ के दे देगा। तो इसके लिए ये यूज किया जाता है, डायरेक्टरी में यूज किया जाता है। अब करके देखते हैं यार, कोड सही लिखा है कि गड़बड़ लिखा है। GCC सूर्या रूट सी डॉट स्लैश .exe। देखो अब ये कह रहा 1 से 9 तक के नंबर डालो, तो मैंने आपसे कहा था 5 डालू, तो मैं 5 ही डाल देता हूँ। लो 5 मैंने डाल दिया। ओ हो, यहाँ पे एक चीज आपको और बतानी पड़ेगी, कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट आते हैं। कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ पे आएंगे, ये हम आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे।
ये मैं आपको बताने ही भूल गया। देखो मैंने 5 डाला ना, तो सीधे उसने 5 पे उसने सीधे, यार ऊपर स्क्रॉल करो, 1 2 3 4 सब छोड़ दिया, सीधे उसने 5 प्रिंट कराया। और इसके बाद हमने उसको ब्रिक तो दिया ही नहीं, ठीक है, हमने उसको ब्रिक दिया नहीं, इसीलिए उसने 9 तक प्रिंट करा दिया। और अगर मैं 100 केस बना देता या 100 के 100 केस प्रिंट करा देता, तो यहाँ पे दो चीज़ें नई निकल के आती हैं, कंटिन्यू और ब्रेक, जो कि आप आगे आने वाले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से सीखोगे। मैं फिलहाल यहाँ पे आपको ट्रेलर दिखा देता हूँ, पिक्चर हम आगे सीखेंगे। ब्रिक, BRE के ब्रिक, ब्रिक के लिखते हैं, एक होता है कंटिन्यू, एक होता है ब्रिक। कंटिन्यू की भी कंडीशन आती है, ब्रिक की भी कंडीशन आती है। ब्रिक में आप जनरल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझाऊंगा। अब मैंने अगर ब्रिक लगाया है, ब्रिक, और मैं 5 टाइप करूंगा, तो 6 7 8 9 ये सब प्रिंट नहीं होंगे, ओनली 5 ही प्रिंट होगा। gcc surya.c.\.exe। अब देखो 5 डालता हूँ मैं, अब करा तू, तो 5 ही प्रिंट हुआ ना, मैंने वहीं से तोड़ दिया उसको, ब्रेक कर दिया, खत्म कर दो मामला। तो यार ये हमारा स्विच हो गया, और इफ एल्स कंडीशन हो गई, नेस्टेड आपने देख लिया, और एक नया चीज जो आगे वाले लेक्चर में आएगी, मैंने ब्रिक भी आपको दिखा दी। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखो, ज़्यादा मत सीखो, और पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस करो, तो आप बिल्कुल जीरो, अगर कदम भी रख रहे हो कोडिंग में, तो मास्टर हो जाओगे। मास्टर क्या हो गए यार, सी एक बिगिनर लेवल लैंग्वेज है, इसके बाद आपके इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कोडिंग में, और आप अच्छा अच्छा करोगे। सोच लो अपने मन से, आप पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना। हाँ, चैनल वीडियो खत्म कर रहा हूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।